बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में जिस मौजू पे बात करेंगे वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वन है जी, जो पहली किसी भी टाइट्रेशन आपने लैब के अंदर करनी है, तो वो किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो आपकी आएंगी उन्हें किस तरह से जर्नल में लिखना है, और उसके बिहाफ पे फिर कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है, यानी जर्नल की राइटिंग परफॉर्मेंस और जर्नल की राइटिंग किस तरह से होगी, ये आज के लेक्चर का मौजू है जिसपे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात का तायुन करना है कि ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वन क्या है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन तो आपको समझ में आ गई जी कि टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन दो चीज़ों के दरमियान होती है, तो उसमें से अगर एक केमिकल एसिड है और दूसरा केमिकल बेस है तो ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहलाएगी, और जो रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये तमाम बातें तो आपने थ्योरी के अंदर जो आपने लिखी है उसके अंदर आपने पढ़ ली होंगी। अब हम ये देखेंगे जी कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वन है क्या, यानी जिसको मैंने वन कहा है और मैंने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को टू कहा है, तो ये वन कहने की वजह क्या है और टू कहने की वजह क्या है जी, यानी इन दोनों टाइट्रेशन जो हम परफॉर्म करेंगे उसमें तब्दीली क्या है जी। तो एसिड बेस की अगर हम बात करें तो एसिड और बेस ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। तो जब भी टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान होगी, या वीक एसिड और वीक बेस के दरमियान होगी, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान होगी, यानी ये तीन पॉसिबल केसेस के दरमियान अगर टाइट्रेशन होगी, यानी दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों एसिड और बेस वीक होंगे, या एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस टाइट्रेशन को आप एसिड बेस टाइट्रेशन वन की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। और खास बात यह होती है कि फिनोफ्थेलिन को एज अ इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा जी कि जब एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं तो एसिड और बेस के साथ एक तीसरी चीज ऐड होती है सॉल्यूशन के अंदर, और वो आपका इंडिकेटर होता है। और इंडिकेटर का काम क्या होता है जी, कि कलर चेंज करे एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पर। तो फिनोफ्थेलिन को एज इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जाता है, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर आप फिनोफ्थेलिन को इंडिकेटर के तौर पर यूज करते हैं, और फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर के तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होगा जबकि टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान की जाएगी, या टाइट्रेशन वीक एसिड और वीक बेस के दरमियान की जाएगी, या टाइट्रेशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान की जाएगी। तो यहाँ आपको ये अंदाजा हो गया जी कि एसिड बेस टाइट्रेशन वन के अंदर हम फिनोफ्थेलिन को एज ए इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और ये जो टाइट्रेशन है ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान, वीक एसिड वीक बेस के दरमियान, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान टाइट्रेशन होगी। तो एसिड बेस टाइट्रेशन वन की खास बात क्या है जी, ये अब चीजें ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये चीजें फिक्स हैं जी, और इसका ताल्लुक इंडिकेटर से है जी। तो जब भी फिनोफ्थेलिन को एज ए इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूरेट के अंदर जिस सॉल्यूशन को लिया जाता है वो बेस होता है, और जिस सॉल्यूशन को पिपेट के जरिए लिया जाता है कॉनिकल फ्लास्क में, वो एसिड होता है। तो टाइट्रेशन के बारे में आपने ये पढ़ा था जी कि टाइट्रेशन करने के लिए दो बुनियादी एपरेटस इस्तेमाल होते हैं, एक सोल्यूशन को आप ब्यूरेट की मदद से लेते हैं और दूसरे सोल्यूशन को आप पिपेट की मदद से लेते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड को पिपेट आउट करेंगे या बेस को पिपेट आउट करेंगे, इसका ताल्लुक इंडिकेटर से है। तो जब भी फिनोफ्थेलिन एज अ इंडिकेटर यूज होगा, हमेशा ब्यूरेट के अंदर बेस लिया जाएगा और जिस सोल्यूशन को पिपेट से लिया जाएगा वो एसिड होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है, और याद किस तरह से रखनी है कि आपने ये वे देखना है जी कि आपका एसिड ये टाइट्रेशन है किस किस्म की, यानी आपने चेक करना है जी ऑब्जेक्ट के अंदर कि आपका एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, या आपका एसिड और बेस दोनों वीक है, या बेस स्ट्रॉन्ग है। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होता है जी, तो उस सूरत के अंदर आपकी जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसके अंदर जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है उसको फिनोफ्थेलिन कहते हैं जी। तो जब भी फिनोफ्थेलिन एज इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होगा, ब्यूरेट के अंदर बेस को लिया जाएगा और एसिड के अंदर और पिपेट के अंदर एसिड को लिया जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन पिपेट के जरिए कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा वो एसिड होगा। तो ये जो बातें हैं ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ जो तीसरी बात लिखी हुई है जी, वो ये लिखी हुई है जी कि वॉल्यूम ऑफ एसिड, देखिए ये बड़ा सिंपल सा है जी कि जिस सॉल्यूशन को आप पिपेट आउट करेंगे तो पिपेट का जो वॉल्यूम होता है, यानी पिपेट की जो कैपेसिटी है वो क्या है जी, 10.0 सेंटीमीटर क्यूब है। इसलिए जिस सॉल्यूशन को आप पिपेट आउट करेंगे उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मालूम होगा, और यहाँ पर आप एसिड को पिपेट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जी कि एसिड का वॉल्यूम आपको मालूम है, और एसिड का वॉल्यूम कितना होगा, 10.0 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये बात भी आपको परफॉर्मेंस करने से पहले ही पता है,
इस बात का फैसला हो गया जी कि पिपेट के अंदर एसिड होगा, तो इसका मतलब ये है कि एसिड का वॉल्यूम आपको नोन होगा और वो कितना होगा 10.0 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो टाइट्रेशन कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका मकसद वीबी को निकालना है यानी वॉल्यूम ऑफ बेस को निकालना है। इसके लिए आप टाइट्रेशन कर रहे हैं और ये जो वीबी होगी ये आपकी कॉनकॉर्डेंट रीडिंग होगी, और कॉनकॉर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है जी दो एक जैसी रीडिंग का होना। तो अभी आप ऑब्जर्वेशन में आपको लेना सिखाऊंगा तो आप इन कॉनकॉर्डेंट रीडिंग लेना सीख जाएंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कॉनकॉर्डेंट रीडिंग क्या होती है। सिंपल लफ्जों में यह है जी कि कॉनकॉर्डेंट रीडिंग दो एक जैसी रीडिंग को कहते हैं जी, और वॉल्यूम ऑफ बेस ये आपने इस प्रैक्टिकल के अंदर मालूम करना है। इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन इस्तेमाल होगा, और जब भी इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन इस्तेमाल होगा तो कलरलेस टू पिंक यानी ये कलर आएगा, यानी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड मौजूद है और हमेशा इंडिकेटर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाला जाता है जी। तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने एसिड को ऐड किया, उसके बाद आपने इंडिकेटर को ऐड किया, तो फिनोक्लिन का कलर एसिड के अंदर कुछ नहीं होता, इसलिए आपने लिखा कलरलेस। लेकिन जब आप टाइट्रेशन करेंगे और एंड पॉइंट आएगा, और एंड पॉइंट का मतलब ये है जी कि बेस एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर हो जाएगा, यानी शुरू में तो ये होगा जी कि जब आप बेस ऐड करेंगे तो बेस एसिड बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन एंड पॉइंट के बाद जैसे ही बेस की क्वांटिटी एक्सेस हो जाएगी, इजाफी हो जाएगी, तो इंडिकेटर अपना कलर बेसिक मीडियम में देता है। जैसे ही मीडियम बेसिक होगा बेस के एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से, तो फॉरन सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, और वही आपका एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कहलाता है। अब हम एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहे हैं, और सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि तमाम एपरेटस को आपने क्या करना है, वॉश करना है, और वॉशिंग वाटर की मदद से होती है। तो ये आपको ब्यूरेट नजर आ रही है, ये जो एपरेटस है इसे पिपेट कहते हैं, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, और जो चौथा एपरेटस यहाँ पे लिखा हुआ है उसे आप फनल कहते हैं। तो फनल इस किस्म का एपरेटस होता है जी, और इसकी मदद से आप क्या करेंगे, इस ब्यूरेट को फिल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन चारों एपरेटस को आपने पानी की मदद से वॉश करना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, रिंस करना है। ये आप जानते हैं कि बेस को ब्यूरेट के अंदर फिल किया जाएगा और इसी तरह एसिड को पिपेट की मदद से लिया जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, एसिड की मदद से पिपेट को रिंस करना है और इसी तरह बेस की मदद से आपने ब्यूरेट को रिंस करना है। रिंस करने का मतलब ये है जी कि आप थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे, थोड़ा सा बेस ब्यूरेट के अंदर लेंगे और इस तरह थोड़ा सा एसिड आप पिपेट के अंदर लेंगे, और फिर उन इस जो सॉल्यूशन आपने इन एपरेटस के अंदर लिया है उस सॉल्यूशन को तमाम दीवारों के साथ आप टच करेंगे, यानी इस तरह से सॉल्यूशन को मूव कराएंगे कि ये एपरेटस को मुकम्मल तौर पे वेट कर दे, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को ड्रेन आउट कर देंगे यानी सॉल्यूशन को जाया कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ जी कि एसिड और की मदद से पिपेट रिंस हो गई और बेस की मदद से ब्यूरेट रिंस हो गई। तो ये दूसरा काम है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉनिकल फ्लास्क को सिर्फ वॉश किया जाता है, कॉनिकल फ्लास्क को रिंस नहीं किया जाता। अब जो तीसरा काम है आपको, वो आपने क्या करना है, ब्यूरेट को फिल करना है, और इसको फिल कहां तक करना है, जीरो मार्क तक करना है, और इस तरह से फिल करना है जी कि जीरो मार्क पे जो लोअर मेनिस्कस है सॉल्यूशन की वो टच करे जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने पिपेट आउट करना है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ है 0.0 सेंटीमीटर क्यूब तक, फिर आपने सॉल्यूशन पिपेट आउट करना है एसिड का पिपेट की मदद से जी, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जब आप पिपेट आउट करेंगे जीरो तक तो इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद इस सॉल्यूशन को आपने कहाँ ट्रांसफर कर देना है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अब एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो फिनोफ्थेलिन आपको इंडिकेटर आपको नजर आ रहा है जो कि फिनोफ्थेलिन इस्तेमाल होगा, उसके आपने दो ड्रॉप्स आपने किसके अंदर डालने हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर डालने हैं। यानी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पहले आप एसिड को ऐड करेंगे, उसके बाद फिनोफ्थेलिन के दो ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे, और उसके बाद फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। यानी ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रॉप कॉर्क नजर आ रहा है, हो सकता है कि लैब के अंदर ये जेट हो जी, तो इस जेट को आहिस्ता से प्रेस करेंगे और ड्रॉप वाइज कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे, और उस वक्त तक टाइट्रेट करेंगे कि जब तक लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता जी। जब लाइट पिंक कलर आ जाएगा तो जो रीडिंग आपकी आएगी इस ब्यूरेट के ऊपर
उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास रीडिंग कितनी आई जी, 7.1 आई, तो उसको फिर आप अपने पास सेव करेंगे। मैं भी आपको आगे सिखाऊंगा जी कि इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में किस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है जी, जब पिंक कलर आ गया तो पिंक कलर आने के बाद जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद कंटेंट्स हैं उनको आप क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर लेंगे। उसके बाद यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ब्यूरेट सिर्फ और सिर्फ टाइटेशन के दौरान ब्यूरेट सिर्फ और सिर्फ एक बार फिल की जाती है, ये बार बार फिल नहीं की जाती। लेकिन पिपेट सॉल्यूशन, पिपेट आउट करेंगे आप सॉल्यूशन दोबारा 10.0 सेंटीमीटर सॉल्यूशन को आप पिपेट आउट करेंगे, और पिपेट आउट करने के बाद फिर इसके अंदर इंडिकेटर को ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से टाइट्रेट करेंगे, और उसके बाद दूसरी रीडिंग नोट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास दूसरी रीडिंग आ गई 14.4, तो आपने इसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर आपने दोबारा से यही काम करना है, यानी कॉनिकल फ्लास्क के कॉन्टेंट को आपने डिस्कार्ड कर देना है जी, कॉनिकल फ्लास्क को आपने वॉश करना है, ब्यूरेट एक ही बार फिल होती है, पिपेट आउट सॉल्यूशन आपने एक बार फिर करना है, इंडिकेटर के दो कतरे डालने हैं, दोबारा से आपने रीडिंग लेनी है। मिसाल के तौर पर अब की बार आपकी रीडिंग आई 21.5, तो ये आपकी रीडिंग्स हो गई जी। अब आपने क्या करना है, अब इस रीडिंग्स की मदद से आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के अंदर नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट और अमाउंट निकालना है। तो एक्सपेरिमेंट वन, अब इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से लिखना है और इक्वेशन किस तरह से लिखनी है, इस पर मैं बात करने जाऊंगा जी। तो ये आपके जर्नल का स्केच है, ये आपने यकीनन जर्नल के अंदर बना लिया होगा। पहले ब्लैंक पेज पे ऑब्जर्वेशन मौजूद होंगी और ऑब्जर्वेशन टेबल मौजूद होगी, इसे किस तरह से भरना है ये हम सीखेंगे। और जो पहला लाइन वाला पेज है उस पर आपने ऑब्जेक्ट, इक्वेशंस और कैलकुलेशन करनी है। तब हम ये सीखेंगे जी कि आपने ऑब्जेक्ट और इक्वेशन कैसे लिखनी है जी। तो ऑब्जेक्ट जो आपको मिल जाएगा ये आपको इंडेक्स से मिल जाएगा जी। तो इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर वन है वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो इंडेक्स से ये ऑब्जेक्ट आपने कॉपी करना है अपने जर्नल के अंदर। तो ये आपने इंडेक्स से ऑब्जेक्ट को जर्नल के अंदर कॉपी कर लिया। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपने इक्वेशन लिखनी है, और इक्वेशन भी आपके मैनुअल के अंदर मौजूद है जी। तो ये मैनुअल के थर्ड लास्ट पेज को अगर आप देखेंगे जी तो आपको इक्वेशन मिल जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट नंबर वन की मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर वन की आयोनिक इक्वेशन लिखी हुई है। इन दोनों इक्वेशन को आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं जी। तो आपने ऑब्जेक्ट लिखने के बाद पहले मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखी, उसके बाद फिर आपने आयोनिक इक्वेशन लिख दी। तो मैनुअल को किस तरह इस्तेमाल करना ये आपने सीखा जी। अब आपने ऑब्जर्वेशन किस तरह से लिखनी है और कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, जरा इसको जरा फोकस होकर जरा समझिएगा। तो आपने अब ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करना है जी, और आपको ये अंदाजा है जी ऑब्जेक्ट जो आपने जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जी उसको देख के अब आपको अंदाजा करना है जी कि ये एसिड बेस्ड टाइटेशन वन है या एसिड बेस्ड टाइटेशन टू है, यानी इंडिकेटर फिनोफ्थीन इस्तेमाल होगा या इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होगा। तो खैर अब आपने देखा जी कि HCl आपका एसिड है और NaOH क्या है जी, ये आपका बेस है जी, और HCl के बारे में आपको अंदाजा है जी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH के बारे में आपको अंदाजा है जी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये है जी कि ये एसिड बेस साइटेशन वन है, यानी जो इंडिकेटर इस्तेमाल होगा वो कैसा इस्तेमाल होगा, वो फिनोफ्थलीन इस्तेमाल होगा जी। अब आपने क्या करना है, अब इसका मतलब ये है जी कि जब भी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है तो ब्यूरेट के अंदर किसको लिया जाता है, बेस को लिया जाता है। तो यहाँ पे आप ब्यूरेट के अंदर लिखेंगे जी कि ब्यूरेट के अंदर NaOH लिया जाएगा, यकीनन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर फिर क्या लिया जाएगा, HCl लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर HCl लिया जाएगा। तो NaOH और HCl ये आपने अपने ऑब्जेक्ट को देख कर लिखा। मजीद चीजें भी ये आप ऑब्जेक्ट को देख के लिखनी है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन 0.1 नॉर्मल HCl, इसका मतलब है HCl की नॉर्मेलिटी आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.1 नॉर्मल लिखेंगे, यकीनन बेस की नॉर्मेलिटी आपको निकालनी होगी, इसलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे आप देख लें जी, लिखा हुआ है फाइंड आउट नॉर्मेलिटी एंड अमाउंट ऑफ NaOH, यानी बेस की नॉर्मेलिटी आपने निकालनी है, इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। वॉल्यूम ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड को आपने पिपेट के अंदर लिया है, यानी पिपेट की मदद से कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, और जिस चीज को आप पिपेट की मदद से कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं उसका वॉल्यूम आपको मालूम होता है, और ये वॉल्यूम कितना होता है, 10.0 सेंटीमीटर क्यूब होता है जी।
वॉल्यूम ऑफ डेज ये अभी आपको मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यानी इस ऑब्जर्वेशन के अंदर जो आपके पास 8 ऑब्जर्वेशन है, इसमें से लाजमी 2 ऑब्जर्वेशन पे क्या लगना है जी, क्वेश्चन मार्क लगना है। उसमें से एक ऑब्जर्वेशन नॉर्मेलिटी की है और एक ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम की है। इंडिकेटर आप फिनोफ्थलीन को इस्तेमाल करेंगे, आपने लिखा, और जो कलर चेंज देखेंगे वो देखेंगे कलर लेस टू पिंक, उसको आपने यहाँ पर मेंशन किया। अब आपने जो जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और उसकी ऑब्जर्वेशन आई, उसको आप लिखने जा रहे हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे आप 1 सीरियल नंबर डाल देंगे। आपने क्योंकि ब्यूरेट को 0.0 सेंटीमीटर क्यूब तक भरा है, इसलिए जो आपकी इनिशियल रीडिंग है वो 0.0 सेंटीमीटर क्यूब है। मिसाल के तौर पर आपका जो पिंक कलर आया, उस वक्त आपने ब्यूरेट को स्टडी किया, ब्यूरेट को आपने ऑब्जर्व किया, वो रीडिंग आपके पास 7.1 आई, तो आपने यहाँ पर 7.1 लिख दिया। उसके बाद फिर आपने जब प्रैक्टिकल को रिपीट किया, तो ये अब आपकी ऑब्जर्वेशन 2 हो जाएगी। और ऑब्जर्वेशन 2 के लिए जो ऑब्जर्वेशन 1 की जो फाइनल रीडिंग थी, वो आप ऑब्जर्वेशन नंबर 2 की इनिशियल रीडिंग बन जाएगी। यानी 7.1 आप यहाँ लिखेंगे। आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, जो आपका कलर चेंज जो आपको नजर आया वो किस पे नजर आया, 14.4 पर नजर आया, तो आपने यहाँ पर 14.4 लिख दिया। उसके बाद जब आप इस प्रैक्टिकल को दोबारा से रिपीट करेंगे, यानी तीसरी बार रिपीट करेंगे, तो जो दूसरी ऑब्जर्वेशन की फाइनल रीडिंग है वो तीसरी ऑब्जर्वेशन के लिए इनिशियल रीडिंग बन जाएगी। यानी 14.4 को आपने इनिशियल वॉल्यूम की जगह पे लिखा, और जब आपने टाइटेशन करी, तो मिसाल के तौर पर आपका एंड पॉइंट कितने पे आया, 21.5 सेंटीमीटर क्यूब पे आया, तो ये आपने ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल किया। डिफरेंस वॉल्यूम का मतलब है फाइनल में से आप इनिशियल को निकालिए, तो 7.1 में से जब आप 0 को निकालेंगे, तो आपके पास जवाब 7.1 आएगा। जब 14.4 में से 7.1 को निकालेंगे, तो आपके पास जवाब 7.3 आएगा। तो आपको ये दो मुख्तलिफ रीडिंग नजर आई है जी। और 21.5 में से जब 14.4 को निकालेंगे, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 7.1 आ जाएगा। तो 7.1 ऑब्जर्वेशन 1 में भी आ गई और 7.1 ऑब्जर्वेशन 3 में भी आ गई, और 7.1 आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो जाएगी। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का मतलब है जी सेम रीडिंग। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ऑब्जर्वेशन 3 के अंदर अगर आपकी रीडिंग 7.3 आ जाती, तो 7.3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग बन जाती। रीडिंग 7.1 आ गई, तो 7.1 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग बन गई। लेकिन अगर रीडिंग 7.1 भी नहीं आती, तो इसका मतलब है आपको ये एक्सपेरिमेंट चौथी बार रिवाइज कर देखना पड़ता। जब तक सेम रीडिंग नहीं आएगी, जब तक आपको एक्सपेरिमेंट रिवाइज करना पड़ेगा, यानी टाइटेशन को रिपीट करना पड़ेगा। तो टाइटेशन जब तक करते हैं जब तक कि आपके पास कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग नहीं आ जाती। इस बात को भी देख लीजिए कि ये जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई है, ये असल में वॉल्यूम ऑफ बेस है। तो वॉल्यूम ऑफ बेस आपके पास क्या आ गया, 7.1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, जिसको हम कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, और कैलकुलेशन के लिए इस ऑब्जर्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे जी कि एन ए की, यानी एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी है जी। तो एसिड की नॉर्मेलिटी यहाँ पे लिखी हुई है 0.1, तो यहाँ पे हमने लिखा 0.1। उसके बाद लिखा हुआ है VA, VA क्या है जी, वॉल्यूम है एसिड का, और एसिड का वॉल्यूम हमें नोन है, जो कितना है जी 10.0 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 0.1 के बराबर में हमने क्या लिखा जी, 10.0 इज इक्वल्स टू का साइन लगाया। नॉर्मेलिटी हमें बेस की निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, NB लिखा। और वॉल्यूम ऑफ बेस अभी मैं निकाल के लिए क्या है, वॉल्यूम बेस कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है जी। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बेस यानी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लिखी 7.1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपने लिखा एन बी किसके बराबर है जी, तो अब आपने इसको इसकी जगह चेंज की, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10.0 डिवाइडेड बाय 7.1, ये अब आपने करना है। अब आप ये कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, तो 0.1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने लिखा 7.1, तो जब 1 को 7.1 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जवाब आएगा 0.141। तो ये क्या आ गई, ये आपकी बेस की नॉर्मेलिटी आ गई। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको आपने सीखा। तो ये जो फॉर्मूला है Na, यानी ये एसिड के लिए चीजें लिखी हुई हैं और ये बेस के लिए चीजें लिखी हुई हैं। तो एसिड की नॉर्मेलिटी Na है, एसिड का वॉल्यूम Va है, बेस की नॉर्मेलिटी Nb है, बेस का वॉल्यूम Vb है। तो इस जो डेटा अगर आपने सही बनाया होगा, तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन करना आपके लिए इंतहाई आसान है। तो
तो आपने इस डेटा से, और ये डेटा किसकी मदद से बनाए, ऑब्जेक्ट की मदद से बनाए, तो भाई ये डेटा अगर आपने सही बनाया होगा तो आगे आपका तमाम काम आसान है जी। तो आपने एसिड की नॉर्मेलिटी लिखी 0.1 नॉर्मल, उसके बाद आपने एसिड को पिपेट आउट किया तो उसका वॉल्यूम आप जानते हैं 10.0 होता है, तो एसिड का वॉल्यूम लिखा। बेस की नॉर्मेलिटी आपने निकालनी है इसलिए आपने NB लिखा, और बेस का वॉल्यूम अभी आप टाइट्रेशन के बाद निकाल चुके हैं जो कि 7.1 आया है, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यू को पुट किया, NB को आपने अकेले किया, और उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व किया और नॉर्मेलिटी ऑफ बेस आपके पास आ रही है 0.141। अब अगले पेज पे जाइए तो यहां पर अब आप रिजल्ट के अंदर लिख सकते हैं जी नॉर्मेलिटी किसकी निकाली है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निकाली है, और ये नॉर्मेलिटी कितनी आई है 0.141 आई है। तो रिजल्ट जो आपका पहला आया है उसको आपने रिजल्ट के अंदर लिख दिया। अब आप क्या निकालने जा रहे हैं, अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है जी, और इक्विवेलेंट वेट भी आपके मैनुअल में आपको मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आपने उसी चीज का निकालना है जिस चीज की आपने नॉर्मेलिटी निकाली है, और नॉर्मेलिटी आपने किसकी निकाली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निकाली है, यानी इक्विवेलेंट वेट भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास कितना होता है जी, 40 होता है। कैसे पता लगा जी कि सोडियम का मास 23 है और ऑक्सीजन का मास 16 है और हाइड्रोजन का मास 1 है, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 40 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और बेस की हमेशा क्या होती है जी, एसिडिटी होती है जी, तो आप इसको काट दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, या आप इसको लिखे ही नहीं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी होती है वो 1 होती है, उसकी वजह क्या है जी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन के अंदर और OH नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट होगा, तो क्योंकि 1 मोल सोडियम का 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है जी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 है जी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 40। तो इक्विवेलेंट वेट आपके पास क्या आ गया जी, 40 आ गया। ये मैनुअल से देख कर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिस पेज पर इक्वेशन लिखी हुई है उस पेज पर आपको इक्विवेलेंट वेट भी लिख के दिया गया है। अब आप अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और जो आपने नॉर्मेलिटी निकाली है वो इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो आपने लिखा जी कि अमाउंट किसके बराबर है, नॉर्मेलिटी के बराबर है। नॉर्मेलिटी कितनी है जी 0.141, ये आपने पीछे कैलकुलेट की है। इसके बाद आप इक्विवेलेंट वेट जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है उससे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा। तो इसके लिए जरा आप पीछे जाइए जी, और पीछे जाएं और अपने ऑब्जेक्ट को पढ़ें, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो सबसे आखिर के अंदर लिखा हुआ है, जरा इस चीज को फोकस कीजिएगा, ये वॉल्यूम रखना होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब का मतलब है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जो आपने वॉल्यूम रखना है वो यहाँ पे क्या रखना है जी, 1 डेसीमीटर क्यूब रखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी वॉल्यूम को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। और आप ये जानते हैं जी, क्या जानते हैं जी कि 1 डेसीमीटर क्यूब ये किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है जी। तो डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा जी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है किससे जी, 1000 से, और उसके बाद फिर आपने डिवाइड करवाना पड़ेगा 1000 से जी। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली 1 डेसीमीटर क्यूब रख देते तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करवाना नहीं पड़ता। तो क्योंकि फॉर्मूले 2 ना हो और फॉर्मूला 1 ही चले, इसलिए यहाँ पे अपनी आदत बनाई जी कि वॉल्यूम को आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेसीमीटर क्यूब में रखेंगे, तो फिर यहाँ पे आप इसको 1000 से डिवाइड नहीं करवाएंगे। और अगर आपने वॉल्यूम को 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर आपको 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा जी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास जवाब आएगा वो आएगा 5.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब आप इसको रिजल्ट के अंदर लिखिए, जो आपने अमाउंट निकाला है वो किसका निकाला है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाला है, और वो अमाउंट कितना आया है, 5.64 आया है, और ये जो डैश है ये वॉल्यूम का डैश है, इसमें आप लिखेंगे जी 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपने प्रैक्टिकल को मुकम्मल तौर पर उसकी कैलकुलेशन करना सीखी। जो खास बात थी वो खास बात ये थी, जो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इसको भूलें नहीं, जो खास बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है जी, जो स्टूडेंट गलती करता है वो इस वॉल्यूम के अंदर गलती करता है, और वो क्या करता है, या तो वो 10.0 लिख देता है,
यानी पेपेट आउट जो सॉल्यूशन करते हैं उसका वॉल्यूम लिख देता है, या ये वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग यानी 7.1 जो आई है वो यहाँ पे लिख देता है। तो देखिए ना ये वाला वॉल्यूम लिखना है ना ये वाला वॉल्यूम लिखना है, बल्कि आप कुछ भी ना करें, आप ऑब्जेक्ट को पढ़ लें और ये देखें जी कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको बिल्कुल आखिर के अंदर मिल जाता है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेसीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेसीमीटर क्यूब का मतलब है आपको 1 डेसीमीटर क्यूब दिया है जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम जो आपको रखना है वो आपको ऑब्जेक्ट से मिलता है, वो आपको ऑब्जेक्ट से मिलता है। तो ऑब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ लिया करें जी। और यहाँ पे मैंने जो दूसरी बात बताई है जी वो ये बताइए जी कि अगर आप डायरेक्टली डेसीमीटर क्यूब में रखेंगे तो फिर आपको इसको 1000 से डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी तो आप क्या करें जी कि वो डेसीमीटर क्यूब को आप 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, ताकि आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगी। तो जब आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे यानी वॉल्यूम को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे तो आप पे लाजिम होगा जी कि आप इसको 1000 से डिवाइड करवाएं और उसके बाद फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी अमाउंट की वही यूनिट लिखी जाती है जी जो यूनिट आपको ऑब्जेक्ट में लिख के दी जाती है जी। और रिजल्ट के अंदर इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जिस सॉल्यूशन को यानी जो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन की आपने नॉर्मेलिटी निकाली है उसी सॉल्यूशन का आप अमाउंट निकालते हैं, यानी ये दो सॉल्यूशन भी क्या होते हैं जी सेम होते हैं। और इसे भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर देख लें जी कि किस चीज की नॉर्मेलिटी और किस चीज का अमाउंट रिक्वायर्ड है जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट रिक्वायर्ड है, इसलिए ये खाना भी सही तरीके से फिल किया करें और जो जवाब आया हो जवाब को आपने इस रिजल्ट के अंदर लिखा है जी। तो ये जो आपको कैलकुलेशन सिखाई गई है और जो आपको प्रोसीजर सिखाया गया, जो ऑब्जर्वेशन लिखना सिखाई गई और जो कैलकुलेशन लिखना सिखाई गई, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लेकर 4 तक के लिए सेम है। यानी एसिड बेस्ड साइटेशन के अंदर, एसिड बेस्ड साइटेशन 1 के अंदर जिसके अंदर आप फिनोफ्थ्रीन को आइडेंटिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन लेने का और लिखने का तरीका और कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है जी। तो यकीनन आपने इसको सीखा होगा जी। कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लैब में आने से पहले जरा इन चीज़ों को एक बार फिर देख लें जी, ताकि आपका लैब वर्क आसान हो जाए जी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे लैब के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।